हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 10 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो हम फर्स्ट तो हमें पता है कि सॉलिड शेप्स क्या होते हैं, यानी कि ये ट्राइंगल है वो एक शेप है, ये रेक्टेंगल है वो भी हमारा एक शेप है, ये स्क्वायर है ये भी हमारा शेप है, ये सर्कल वो हमारा शेप है। पर शेप्स में भी हम देखेंगे फर्स्ट 2D शेप्स। 2D शेप यानी कि जो पेपर पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे जो है हम पेपर पर ड्रॉ किए तो वो क्या है 2D शेप। 2D शेप्स यानी कि टू डायमेंशन यानी कि एक्स और वाई, जिसमें एक्स और वाई हो गए वो 2D डायमेंशन है। तो देखो ये हम लेते हैं स्क्वायर, तो उसमें y डायमेंशन है और a है x डायमेंशन, इसे हम बोलेंगे 2D शेप। अब देखेंगे हम 3D शेप्स। तो देखो 3D शेप से ये हमारा क्यूब है, तो 3D शेप्स यानी कि 3 डायमेंशन, जिसका 3 डायमेंशन होगा x y z। तो देखो ये x है, ये y है और ये z है, तो हम इसे बोलेंगे 3D शेप्स। बाद में आएगा ये बॉल, जो बॉल होता है वो सर्कल शेप में होता है, पर आगे पीछे से देखते हैं हम तो सेम ही शेप होगा था, तो वो क्या है हमारा 3D शेप से। बाद में ये क्यूब है, तो देखो क्यूब आगे भी पीछे भी ये 3D शेप्स में दिखता है, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस और z में दिखता है, तो इसे हम बोलेंगे 3D शेप्स। हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 10 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो हम फर्स्ट तो हमें पता है कि सॉलिड शेप्स क्या होते हैं, यानी कि ये ट्राइंगल है वो एक शेप है, ये रेक्टेंगल है वो भी हमारा एक शेप है, ये स्क्वायर है ये भी हमारा शेप है, ये सर्कल वो हमारा शेप है। पर शेप्स में भी हम देखेंगे फर्स्ट 2D शेप्स। 2D शेप यानी कि जो पेपर पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे जो है हम पेपर पर ड्रॉ किए तो वो क्या है 2D शेप। 2D शेप्स यानी कि टू डायमेंशन यानी कि x और y, जिसमें x और y हो गए वो 2D डायमेंशन है। तो देखो ये हम लेते हैं स्क्वायर, तो उसमें y डायमेंशन है और a है x डायमेंशन, इसे हम बोलेंगे 2D शेप। अब देखेंगे हम 3D शेप्स। तो देखो 3D शेप से ये हमारा क्यूब है, तो 3D शेप्स यानी कि 3 डायमेंशन, जिसका 3 डायमेंशन होगा x y z। तो देखो ये x है, ये y है और ये z है, तो हम इसे बोलेंगे 3D शेप्स। बाद में आएगा ये बॉल, जो बॉल होता है वो सर्कल शेप में होता है, पर आगे पीछे से देखते हैं हम तो सेम ही शेप होगा था, तो वो क्या है हमारा 3D शेप से। बाद में ये क्यूब है, तो देखो क्यूब आगे भी पीछे भी ये 3D शेप्स में दिखता है, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस और z में दिखता है, तो इसे हम बोलेंगे 3D शेप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। टॉप व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है और फ्रंट व्यू क्या है हम अब सीखेंगे। तो उसमें हम एक डस्टर के एग्जांपल लूंगी आपको और आपको एक्सप्लेन करूंगी टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। ये डस्टर है, तो डस्टर का ये जो आगे वाला और पीछे वाला जिसे है जो है उसे हम फ्रंट व्यू बोलेंगे। फ्रंट व्यू मीन्स के आगे वाला जो पार्ट होता है, शेप होता है, उसे हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। बाद में आता है साइड व्यू। तो ये डस्टर है हमारा, तो उसमें उसको हम साइड से देखेंगे, तो ये और ये हमारा क्या है साइड व्यू है। और टॉप व्यू यानी कि टॉप से जो देखते हैं हम उसे हम बोलते हैं टॉप व्यू। तो ये टॉप व्यू हमारा कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा टॉप व्यू। साइड व्यू हमें कैसे दिखेगा, ऐसे डस्टर का कैसे दिखा, तो ये हमारा साइड व्यू है। और फ्रंट व्यू यानी कि ऐसा फ्रंट होगा हमारा, तो ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो ये टॉप व्यू, साइड व्यू और ये फ्रंट व्यू है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजिस, वर्टाइसिस एंड फेसिस। तो एजिस किसे बोलेंगे, वर्टाइसिस किसे बोलेंगे और फेसिस, फेसिस तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आगे के टॉपिक में। तो अब हम देखेंगे एजिस। एजिस यानी कि लाइन सेगमेंट। देखो ये हमारा क्यूब है, तो क्यूब में जो हमारा क्यूब जो है हमारा, वो क्यूब कितनी लाइन से बना है, वो लाइन सेगमेंट कितनी है, वो इसे बोलेंगे हम एजिस। तो देखो ये एजिस है हमारी, तो इसमें हमारा कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारी जो क्यूब है, और क्यूब जो हमारा है वो कितनी लाइन से बना है, वो इसे हम बोलेंगे एजिस। तो हमारी एजिस ये क्यूब में कितनी है, 12। बाद में हम देखेंगे वर्टाइसिस। वर्टाइसिस यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स यानी कि ये कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये जो मैं रेड बॉल पेन से कर रही हूँ पॉइंट्स, वो हमारे हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो ये हमारे क्या हुए, कॉर्नर पॉइंट्स यानी कि वर्टाइसिस। जो पॉइंट होती है वो हमें बोले थे वर्टाइसिस। बाद में आता है हमारा फेसिस यानी कि प्लेन सरफेस। तो इधर हमें कितनी सरफेसिस दिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फेसिस यानी कि टॉप और बॉटम, वो हमारी। बाद में राइट साइड से भी हम देख सकते हैं, लेफ्ट से भी देख सकते हैं। बाद में आता है टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक। तो हम कोई भी फेसिस को कितनी साइड से देखते हैं, टॉप ऊपर से भी देख सकते हैं, बॉटम यानी नीचे से भी, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, फ्रंट से और बैक से। तो यानी कि हमारी फेसिस कितने हुए इधर, 6। अब हमारा देखो, ये हमारा कोई एक शेप है, ये वाला और ये दो शेप है। तो उसे हम फ्रंट से देखेंगे, तो फ्रंट से हम देख रहे हैं तो ये हमारा शेप होगा। साइड में से देखेंगे तो साइड में से देखो तीन शेप देख रहे हैं, 1, 2 और 3। साइड में से हम देखेंगे इसको तो 1, 2, 3 ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके पीछे तो वो नहीं दिख रहा है। तो 1, 2 और 3 ये साइड वाला व्यू है हमारा, और टॉप व्यू यानी कि टॉप से हम देखेंगे तो हमारा व्यू कौन सा होगा। तो टॉप से देखेंगे हम तो ऐसा होगा हमारा, और ये ऐसा होगा, क्योंकि देखो टॉप से दिख रहा है तो हम ऐसा व्यू होगा हमारा टॉप से देखेंगे तो। बाद में हमारा टॉपिक होता है यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला यानी कि फेसिस प्लस वर्टाइसिस माइनस एजिस इज इक्वल टू 2। ये हमारी फॉर्मूला है, एफ यानी कि फेसिस, वी यानी कि वर्टाइसिस और ई यानी कि एजिस। ये हमारी फॉर्मूला इज इक्वल टू 2। तो हम एग्जांपल लेंगे, हमें कोई दो दिया होगा और एक ढूंढना, एक फाइंड करना होगा, यानी कि फेसिस दिया है हमें, वर्टाइसिस दिया है और एजिस हमें फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो एफ हमारा 12, वर्टाइसिस यानी कि वी 10 और ई इज इक्वल टू नहीं दिया है, फाइंड करना है हमें। तो 12 प्लस 10 22 माइनस ई इज इक्वल टू, तो ई इज इक्वल टू हमारा होगा माइनस ई 2 माइनस 22। तो ये हमारा ई इज इक्वल टू माइनस 20, इधर साइन माइनस की और इधर भी साइन हमारी माइनस की है, तो एजिस हमारी होगी 20। बाद में आपको दिया होगा कि वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर सॉलिड से। तो आपको तीनों तीन दिए होंगे और आपको फॉर्मूला में 2 आंसर लाना है, क्योंकि आपकी फॉर्मूला है ए प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो हमें ये इज इक्वल टू 2 लाना है, अगर 2 नहीं लाए तो ये आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो एफ इज इक्वल टू हम लेंगे 7, वर्टाइसिस 10 माइनस 15। तो ये हमारा क्या है, RHS, तो 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा हुआ LHS। तो RHS इज इक्वल टू हमारा है LHS। तो
तो RHS इज इक्वल टू LHS है, तो ये हमारी यूलर्स फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, तो ये वेरीफाई हमारी यूलर्स फॉर्मूला में है। अगर 2 नहीं आता तो ये वेरीफाई नहीं होता। ओके, थैंक यू।